पंचायत चुनाव के दृष्टिगत शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कच्ची शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के तहत गुरुवार को एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में राजघाट थाना क्षेत्र के अमृतानी में कच्ची के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान एसपी सिटी सोनम कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुलदीप मीणा, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव तथा पुलिस विभाग की टीम मौजूद रही। गुरुवार को सुबह करीब 7 बजे संयुक्त छापेमारी की गई। 250 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया और सैकड़ों भट्टियां तोड़ी गईं, जिसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सभी अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, उन्हें जब खबर हो गई वहाँ से पुलिस से तो आके डिस्टेंस पे डाल के निकल, अब ये अच्छा है ना, ये कोई सामने से भी निकलता यार, वो वाली भी उठवा लाते हैं, वो वाली भी उठवा लाओ, पांचों इकट्ठा हो जाए, इसीलिए अरे यार हाथियां कहाँ गई, काटो इसको, काटो पूरा, मत काटे के बाद में काम फिराएगा ना, बोल दीजिए। हाँ ये आप दिन ये नया है एकदम एक्सरसाइज का, दिमाग लगा टूट गया, आज सुबह अमृतानी में छापा मारा गया, जिसमें एसपी सिटी साहब और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी थे साथ में। तो हम लोगों ने ज्वाइंट वेंचर एक तरीके से किया है, वहां पर सैकड़ों भट्टियों को तोड़ा गया है, लहन को डिस्ट्रॉय किया गया है और 250 लीटर शराब वहां महुए की प्राप्त हुई थी, जिसको एक्साइज विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और सैकड़ों भट्टियों को डिस्ट्रॉय किया है। सर आगे भी कार्रवाई चलेगी? आगे भी कार्रवाई की जाएगी और और अन्य क्षेत्रों में भी कार्रवाई की जाएगी। सर कोई अपील जो ऐसा कार्य कर रहा है अभी तो नहीं मान रहा है कार्रवाई पर, उन लोगों से बस यही अपील की जाती है कि कानून को अपने हाथ में मत लें और देशी शराब का निर्माण का धंधा मत करें, किसी अन्य पॉजिटिव वर्क में अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करें और अच्छे कार्य करके अपनी आमदनी का करें, जिससे अपने घर का पालन अच्छे कार्यों से करें।